कहाँ घूम रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये मेरा बेटा है जिसको मैं लेकर आई हूँ अपने ही गांव के पास के आंगनबाड़ी केंद्र में। और पास में ही बड़े बच्चों का भी स्कूल है, इसलिए पहले ये बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है, बाद में मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ले गई खिलाने के लिए। और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई नहीं होती है, जिसे उसको क्या बोलते हैं, नंद भवन बोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को, जिसमें बच्चे छोटे छोटे जाके से पहले स्कूल की पहले की नॉलेज लेते हैं कि कैसे स्कूल में बैठना है, कैसे पढ़ना है, ये सब होता है आंगनबाड़ी केंद्र में। पढ़ाई मतलब प्राथमिक प्री स्कूल की पढ़ाई होती है, पढ़ाई से पहले की उसमें ज्ञान दिया जाता है। तो इस स्कूल में मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, इंटर्नशिप पर गई थी, क्योंकि मैंने डीएलएड किया हुआ है। तो डीएलएड जो करता है उसको एक एक महीने का इंटर्नशिप मिलता है, तो इस स्कूल में मुझे इंटर्नशिप मिला था करने के लिए, जिस वजह से मैं इस स्कूल में इसकी चॉइस की हूँ कि इसी स्कूल में अपने बेटे को लेके जाऊँ। तो यहाँ आके मेरा बेटा काफ़ी खुश था, बच्चों के बीच में आके खेल रहा था, बच्चे भी इसको खिला रहे थे, काफ़ी इंजॉय किया। और मैं ये सोची हूँ कि इसको रोज़ डेली लेकर आऊँ इस स्कूल में एक दो घंटे, जिससे इसकी मानसिक विकास हो और सामाजिक विकास हो। अगर आपके भी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि उसको प्ले ग्रुप स्कूल में डाल सकते हैं, जिससे कि उसको कुछ तो कुछ नॉलेज ही मिलेगा, ही बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए घर पे बैठाने से अच्छा है कि उसको बच्चों के बीच में रहने दिया जाए, खेलने दिया जाए। तो अगर आप मेरे बेटे को, अंशुमन बेटे को सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, जिससे कि मेरे बेटे को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि इसको मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी लेके जा रही हूँ, जिसके खर्चे बहुत आ रहे हैं, और महंगाई के समय में खर्चा मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो स्कूल में दो तीन घंटे खेलने के बाद इनको मैं घर पे ले आई, तो फिर अपने बहनों के साथ खेलने लगे। क्या ये करो, ब्लॉग में टाटा बाय।